नमन करता हूँ, नमस्कार करता, प्रणाम करता आप सभी को, हर हर महादेव। फारूक भाई मैं शो के पहले में मिला था, और फारूक खान जो एक नामी काफ़ी है, और एक सबसे बड़ी बात है लोग मुझे गरीबों के एक्टर बोलते हैं, और इसी तरह एक एक गरीबों का नहीं, ये पूरी इंडिया का नहीं, पूरी वर्ल्ड का एक एक्टर है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, जिस तरीके से इन्होंने इंडिया को रिविज़न किया है, और इसको देखते हुए मैंने इनको छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड से मैं सम्मानित किया इनको, जो अभी पिछले साल मेरा नारी शक्ति आइकॉन अचीवर अवार्ड एंड छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड, जो हमें बहुत गर्व महसूस होता है, भाई इस महाराष्ट्र के मिट्टी के राजा, हम हिंदुस्तान के राजा माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज, इतने बड़े नाम हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है, और उनकी नाम का अवार्ड शो, और वो नाम का अवार्ड शो हमारे भाई को मिला है, फारूक खान साहब को, तो इनके काम को देखते हुए हमने इनको सम्मानित किया था, और इनका वीडियो चला था वहाँ पर, और बहुत अच्छा इन्होंने सबको, मतलब वहाँ पर जितने भी लोग आए थे उनको ऐसा बोला, भाई तुम एकदम बोले तो एकदम राची के एकदम मस्त एकदम, तो इनको देख के लोग बोल रहे थे भाई तुम कुछ ना कुछ करोगे इंडिया में, तो US से है अपना, अमेरिका से है सर, तो वहाँ पे झंडा गाड़ा है, इंडिया होके वहाँ पे झंडा गाड़ा है, अभी झंडा गाड़ेंगे वो इंडिया में, तो थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ भाई आपके बारे में बताएं, और मीडिया के सामने पूरा आपके बारे में खोल के पूरा बताएं सर, आप क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, और कैसे इंडिया में, कैसे मुझे मिला सर, प्लीज़। थैंक यू सो मच, और आपके अल्फाज कल्याण जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से गणपति बापा मोरिया, गणेश चतुर्थी जी, आप सबको मुबारक हो, और क्या जानना चाहेंगे मेरे बारे में आप लोग पूछें। फारूक सर, सबसे पहले तो काफ़ी लोग आपको जानते हैं, यू नो अबाउट योर वर्क, आप जो काम किए हैं जी, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं बताना शुरू कीजिए कि कब से शुरुआत की आपने, आपका जो इनिशियल सफ़र था यहाँ से US तक का, फिर आपका जो फाउंडेशन है, वो जो काम किया है लॉकडाउन के ड्यूरिंग जी, जिसमें फिर काफी ज्यादा मीडिया पे अप्रिशिएट किया US में, सब कुछ बताइए डिटेल्स में कि कहाँ से सफर शुरू हुआ, कितना चैलेंजिंग था, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर। ओह माय गॉड, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लाइक लॉन्ग स्टोरी, बट एनीवे मुझे जहाँ तक याद है, जब मैं 7.5 साल का था या 7 साल का आसपास में, हम लोग बहुत गरीबी से आए, वी आर स्टिल लिविंग स्लम्स, और मेरी अम्मी शी वॉज ओवरवेट, और मेरे फादर जो थे वो गोदी में काम करते थे, यूज़ टू मेक 25 या 25 बट एनीवे मुझे जहाँ तक याद है, जब मैं 7.5 साल का था या 7 साल का आसपास में, हम लोग बहुत गरीबी से आए, वी आर स्टिल लिविंग स्लम्स, और मेरी अम्मी शी वॉज ओवरवेट, और मेरे फादर जो थे वो गोदी में काम करते थे, यूज़ टू मेक 25 या 50 पैसे दिन के, तो वो हालात थे हमारे, और मुझे याद है कि मैं गारबेज से खाना उठा के खाता था, तरबूज, तो वो गरीबी मैंने देखी, तो वॉज अ वेरी स्ट्रगल टाइम, और जस्तजू कर मेरी अम्मी और मेरे अब्बा की जो मैंने फाइट्स देखी लाइफ के, जिस तरह हमने सर्वाइव किया, जिस तरह हमको बड़ा किया, वो हमारे मेरे अंदर थी, पानी पी पी के जिस तरह मुझे सुलाते थे लोग, यू नो खाने की कमी की वजह से। तो जब मैं US में गया, और जब मैंने ये पैंडमिक हुआ, तो वो भूख का एहसास मुझे हुआ, उस कंट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया, हमारे फैमिलीज़ को बहुत कुछ दिया, और मैं आई थिंक मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं वहाँ पर US के अंदर, जो इंडियंस हैं, बहुत पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ रहते हैं, जिन्होंने अपने सपने साकार किए होंगे। तो एक ऐसा वक्त आया कि उस कंट्री के लिए हमको कुछ करना था, एज एन इंडियन मेरी जो बैकड्रॉप थी, जिस तरह से मैं गुजरा हूँ मेरी लाइफ के अंदर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, इस पेंडेमिक में घर में बैठ के क्या करना चाहिए, तो मुझे उसका एहसास हुआ, तो दैट्स व्हेन वो पूरा जब पेंडेमिक हुआ, तो मैंने गैराज से स्टार्ट किया बॉक्सेस बनाना, और लोगों के घरों पे जा जाकर फेसबुक पे टैग करके, तो मैंने केयर फाउंडेशन ग्रुप का ईजाद किया, क्यों US के अंदर आप ऐसे किसी को खाना नहीं दे सकते, तो आपको एक फाउंडेशन खोलना पड़ता है, तो मैंने इसीलिए 2020 में सिर्फ केयर फाउंडेशन ग्रुप लोगों को खाना बांटने के लिए शुरू किया। अब वो शुरुआत हुई, पूरा साल मैंने लोगों के घर घर जाकर खाना बांटा, और क्रिसमस के दिन पहली बार ऐसा अमेरिका में हुआ जब इनके पास खाना नहीं था, तो जैसे ईद होती है, दिवाली होती है, हम वो ग्रोप हुए हैं उस सालों में, बच्चों को देखते हुए कि यार इस त्यौहार में हमारे को खाने मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, तो अमेरिका के लिए सबसे पहला ऐतिहासिक का दिन था जब उन लोगों के घर में खाना नहीं था।
तो एज एन इंडियन मैं नहीं सोचा कि यार हम इंडियन हैं तो दिवाली के लिए या ईद के लिए कुछ करें, यू नो. तो एज एन प्राउड इंडियन, और मैं गर्व करता हूँ कि यार मैं इस कंट्री के जाकर वहाँ अमेरिका में इतना बड़ा काम किया. मैं ही नहीं, मेरे साथ काफ़ी लोग, और एक ऐतिहासिक दिन बन गया. और वहाँ के मेयर ने, और फिर 500 फैमिलीज का मैंने इरादा किया कि उनको गिफ्ट में खाना बांटा जाए. तो अगर आप केयर फाउंडेशन ग्रुप को लॉगिन करेंगे, आप देखेंगे वहाँ पे हज़ार, आई डोंट इवन नो कितने लोग लाइन में लगे थे खाने के लिए, कि वहाँ पे इतनी बुरी दिशा थी. सो 500 लोगों के खाने के लिए मैंने ईजाद किया. और वहाँ के मेयर ने, जो मिस्टर सिल्वेस्टर टर्नर हैं, वो आए यहाँ पर, इंडिया में भी आ चुके हैं. अभी जो पेंडेमिक होने वाला है, थर्ड पेंडेमिक के अंदर सबसे ज़्यादा मौत होगी वो भूख के वजह से होगी. और हमको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा खाना देना है लोगों को. और मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़कर लोगों को कि प्लीज़ खाना वेस्ट मत करें. काफ़ी लोग आप तक नहीं पहुँच सकते, मीडिया के पास नहीं पहुँच सकते, जिनके पास खाना नहीं है. तो यहाँ की गवर्नमेंट से मेरा यही गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ जितना हो सके उतना फूड डोनेशन सेंटर्स खोलें जगह जगह, क्योंकि ऐसी ऐसी गाँवों में जगह हैं जहाँ पर लोग के पास सिग्नल्स नहीं हैं, फ़ोन नहीं है, आप और इकोनॉमी इतनी बैड है, और लोग सुसाइड करेंगे खाने की वजह से. क्योंकि अगर एक बाप है अपने बच्चों को खाना नहीं दे सकता है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा. तो हमको फूड डोनेशन सेंटर्स बहुत खुलना चाहिए इस वक्त. फारूक भाई जी, जो आपको छत्रपति गौरव सम्मान दिया गया है, कल्याण जी जाना के साथ जो एसोसिएशन है, कब मुलाकात हुई, कैसे हुई, क्या कहना चाहेंगे उनके शिक्षक के बारे में, आगे का जो फ्यूचर है उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे. कल्याण जी, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ. कल्याण जी आई थिंक एक सिम्बॉलिक इंसान है जो यहाँ पर हिंदुस्तान में, बम्बई में बहुत लोगों के लिए काम करते हैं, मीडियाज़ के लिए काम कर रहे हैं. सो एक ऑनर है उनसे. जब मेरी एक मुलाकात हुई थी एक फ्रेंड्स के ऑफिस में, तो उन्होंने देखा कि यार आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला, आपको सम्मानित करना चाहिए. और मैं इतना गर्व है मुझे कि मुझे इतने महान एक आइकॉनिक ऐतिहासिक, जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ी थी, और यू नो उनका उनका गर्व का नाम मेरे नाम पे है. मेरे माँ बाप बहुत गर्व किए जब मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिला है छत्रपति शिवाजी का. हमने किताबें पढ़ पढ़ के बड़े हुए इनके लिए. सो कल्याण जी को मैं देखता हूँ, और मैं ही इज़ अ मोटिवेशन हमारे लिए, कि वो जितने फिल्म्स के लिए भी, और जितने लाइट मैंस और ये सब जो अभी तकलीफ़ में, उनको भी खाना दे रहे हैं. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, यू नो. और कल्याण जी ने कहा यार यू नो आप ये आपको ज़रूर बनता है. तो फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और उन्होंने मुझे इस सम्मान से नवाजा है. थैंक यू कल्याण जी, आप जहाँ भी हो इस वक्त हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया. सच में इज़ अ ग्रेट ग्रेट पर्सन, इज़ अ ग्रेट पर्सन, इज़ अ ग्रेट पर्सन, एंड आई लव हिम, आई लव हिम. जो ये कर रहे हैं महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. और यहाँ पे आने का काफ़ी अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात थी. मेरे दोस्त यहाँ पे मनीष भाई हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ केयर फाउंडेशन ग्रुप, और हमारे जॉइंट हैंड्स हैं, और हमारे दूसरे पार्टनर्स हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट. और इसी तरह टीम वर्क होती है. सो आप लोग दुआ करें कि हम लोग इस वक्त जो है जितना हो सके लोगों की मदद करने के लिए साथ जुड़ें. आप लोग जितने हो यहाँ पर हो मीडिया वाले, आप लोग पूरे, आप आर्मी से कम नहीं हो, आप प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट. और इसी तरह टीम वर्क होती है. सो आप लोग दुआ करें कि हम लोग इस वक्त जो है जितना हो सके लोगों की मदद करने के लिए साथ जुड़ें. आप लोग जितने हो यहाँ पर हो मीडिया वाले, आप लोग पूरे, आप आर्मी से कम नहीं हो, आप लोग की, आप लोग की आवाज़ लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि आप अपील कर सकते हैं अपने फाउंडेशन से जुड़ने के लिए, क्योंकि लोगों की जरूरत पड़ती है, फंड्स की जरूरत पड़ती है. यस, मैं सारे हिंदुस्तान से नहीं, पूरे वर्ल्ड को एक मैं मिसाल बनना चाहता हूँ कि एक गरीब लड़का जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, आई थिंक मेरे बाजू में मुझसे बड़ी हैसियत है कल्याण जी. हम दोनों की स्टोरी सेम ही है ऑलमोस्ट. ये खाना चुनते थे और मैं कच्चा चुनता था, कच्चा चुनते थे और मैं खाता था. सो और ये कि किस तरह हम लोगों को लोग चुनते हैं. मेरा एक सबसे एक पावरफुल स्टेटमेंट है एक मिनट का खाली, और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को इससे मोटिवेशन मिले कि मंदिर में हम जाते हैं और शिव जी हैं, गणपति बापा मौर्या हैं, वो कोई तकलीफ़ लेकर गया, कल्याण जी चले गए वहाँ पे तकलीफ़ लेकर, तो वो मन्नत मांग रहे कि मेरे पास पैसे नहीं है घर के रेंट भरने के लिए, और गणपति बापा देना चाहते हैं, और बाजू में वो बंदा भी है पुजारी जो देना चाह रहा है कि यार पूरी तिजोरी भरी हो, दे कैसा उसको. कल्याण जी फिर सलीम भाई गए मस्जिद के अंदर, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं,
और अल्लाह सामने बोले मेरे पास पैसे नहीं है रेंट भरने के लिए, वो मांग रहे हैं, वो बांगी साहब खड़ा है चंदे की पेटी भरी हुई, वो कैसे दें उसको? जीसस क्राइस्ट भी स्टैचू में, तो दे कैसा ये सब उसको उस इंसान को? तो खुदा भगवान उनको चुनता है। अब कल्याण जी बाहर निकले, इन्होंने फ़ोन किया, यार मैं मनीष भाई को फ़ोन करता हूँ, आउट ऑफ 5000 नंबर उन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठा के हाँ क्या हुआ कल्याण जी, यार 1000 रुपये चाहिए थे मेरे को रेंट भरने, तो इन्होंने बोला अरे आ जा, तो गणपति पापा ने इनको चुन लिया। क्या बात, फिर ये कहाँ गए? ये गणपति पापा के पास गए, इन्होंने उनको थैंक यू बोला। सो हर भगवान इंसान को चुनता है, उसको पहले तकलीफों से गुजारता है कि यार ये बंदा मेरे लिए काम करेगा क्या, ये फौलाद बनेगा मेरे लिए कि नहीं बनेगा। सो वो इंसान बने। अगर आपको कोई भी मदद के लिए आपके पास नहीं पहुँचा है मांगने के लिए, तो आपने अभी तक उसकी बुक में आपका नाम रजिस्टर नहीं हुआ है। परफेक्ट। सो वो बने, वो फौलाद बने, और लोगों की जितनी हो सके इसकी आज की तारीख में प्लीज़ लोगों की मदद करें। और ये हालात ऐसे हैं कि कब जिंदगी का वक्त हो जाए ख़त्म, हाँ कल्याण जी शौहरत दौलत सब यहीं रह जाएगी। सो हम सबको मिलकर एक ही काम करना है कि जितना हो सके सेवा करना, सेवा करें। मेरा फाउंडेशन सिर्फ उसी मकसद के लिए खुला था कि यार वो चाहता था कि यार मेरे को टेस्ट से गुजारा कि मेरे को कचरे से खाना खाते हुए अब तक यहाँ तक पहुँच चुके हम लोग। तो यही है कि मेरे फाउंडेशन के लिए प्लीज़ केयर फाउंडेशन ग्रुप विद KARE केयर फाउंडेशन ग्रुप में प्लीज़ आप लोग जुड़ें और लोगों की मदद करें। मेरे फाउंडेशन में यही है कि आप यहाँ दोगे, हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, वहाँ लोगों की मदद होगी। जो सेकेंड अक्टूबर के लिए जो मेरा इवेंट है उसमें 10 लोगों के पैर हम लोग रनवे करवा रहे हैं, जिनके पैर नहीं है उनको हम पैर लगवाएंगे। सो एफ म्यूजिक कंपनी का मकसद यही है कि एफ म्यूजिक कंपनी से जितने भी टैलेंटेड हैं जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँखें नहीं है, लेकिन टैलेंटेड, उनकी म्यूजिक वीडियोज में बनाऊंगा, उनको प्रोड्यूस करूंगा। और एफ स्टार अभी हमारा कोलैबोरेशन हुआ है जैस्टिन के साथ में, जो हम लोग ये एफ स्टार जो होंगे उसमें यही लोग होंगे जो बच्चे जो होंगे जिनके पैर या हाथ नहीं, उनको हम लोग मोटिवेशन करेंगे। वर्ल्ड मोटिवेशन रनवे होने वाला है हमारा JW मेरठ में 2 अक्टूबर को। तो ये कोलैबोरेशन है और इसके वजह से, इस माध्यम से मैं चाहता हूँ कि लोग जुड़ें और हम एक दूसरे को इतना समझें कि जिनके पास में कमी नहीं है उसको किस तरह हम उसकी कमी पूरी कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन केयर फाउंडेशन ग्रुप एंड हेल्प मी टू हेल्प अदर्स। पूनम जी प्लीज, इनके साथ भी मेरा एक अच्छा इवेंट हुआ, आप बताइए पूनम जी मैं आपसे कैसे मिला? मेरा बेटा है वो एक्चुअली वाज वेरी हंगर, ये खाने को रिलेटेड अगेन फूड इज कमिंग टू द केयर फाउंडेशन, खाने को रिलेटेड ही है इस टॉपिक। मेरा बेटा बहुत भूख से हंगर था और मेरी मीटिंग थी, मैं 5-6 घंटे डायरेक्टर के लिए वेट कर रही थी, फ्रस्ट्रेट होकर नीचे आ रही थी और बेटे ने बोला मम्मी मेरे को डोसा खाना है, तो मैंने बोला यहाँ पे डोसा तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे सब बंद हो गया है, चाइनीज फाइनीज चटर पटर मिल जाएगा। तो देन आई सडनली टोल्ड लाइक मैं अभी एक काम करती हूँ, 5-6 शादी कर लेती हूँ अलग अलग होटल वालों से, तो तुमको रोज अलग अलग खाना मिल जाएगा। सो ही वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी एंड ही वाज टेलिंग मी अरे 4-5 शादी करने, तो मैं भी बैचलर हूँ, आप मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में भी सोचो। सो आई वाज लाइक ओके व्हाट यू डू एंड लाइक दैट वी हैव एक्सचेंज द नंबर एंड ही इज रियली नाइस गाय। और 2 घंटे तक मुझे रिक्शा नहीं मिली, तो ही वाज वेटिंग फॉर मी, हर एक रिक्शा वाले को हम रुका रहे, रुको भाई रुको 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 रुको, एंड ही इज मेकिंग मी सेट, अरे रुक भाई तू इधर इधर आई, लेडीज है यार ले, रात का टाइम में छोड़ दे। सो ही इज रियली केयरिंग पर्सन, आई लाइक हिम पर्सनली। अभी जो बारिश हुई थी 4 दिन पहले जो भर गया था पानी, तो ये नीचे खड़े थे, एंड दैट्स हाउ वी मेट। तो इनफैक्ट ये होता है कि आपकी तारीफ ये नहीं कि कोई करवाए गए, सो यू नो, तो ये उसी टाइम मुझे मिले और इतने लोगों को मैंने डाटा वहां पर कि कोई रिक्शा नहीं देने को। तो यार बम्बई में ये हालत हो गया कि औरतों को देखकर लोग रिक्शा भाग भाग के जा रहे हैं, यू नो, रात को 11-12 में 12-1 बज गए थे, इनको रिक्शा नहीं मिले। तो लोगों की मदद कीजिए, और आपका वंस अगेन सब मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और प्लीज गुरु जी आए आपका गुरु जी बोलिए सर गुरु जी कुछ नहीं, ये जो भी कार्य कर रहे हैं वो लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर कोई लोगों के भलाई के लिए अगर कोई कार्य कोई करता है तो भगवान खुद उसमें अवतरित होते हैं। तो आज ये जो कार्य कर रहे भविष्य में और ये करते रहे, ये शिव जी की, अल्लाह की और यीशु मसीह की, जितने भी देवी देवता है हर धर्म के, बस उनका आशीर्वाद इनके पीछे है और जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल रहेंगे, हमारा भी इनके ऊपर आशीर्वाद। शुक्रिया शुक्रिया अपने लोगों की दुआएं लीजिए,
थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।